फिल्मों में अक्सर आप देखा करते हैं कि अगर किसी विधायक के बेटे या बेटी हो तो अपना जोर खूब जमाया करती। ऐसा ही एक नज़ारा बेंगलुरु में भी देखने को मिला। पहले आप इस वीडियो को देखिए। देखा आपने, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। साथ में अब इसकी कहानी भी जान लीजिए। दरअसल बेंगलुरु में राजभवन के पास से रेड लाइट क्रॉस कर रही बीएमडब्ल्यू कार को पुलिस ने रोका तो उसमें से उतरी एक लड़की ने पुलिस को गालियां देना शुरू कर दी। लड़की ने खुद को बीजेपी विधायक अरविंद लिम्बावली की बेटी बताया। ट्रैफिक पुलिस ने कार का चालान काट दिया। हालांकि इस बात के लिए विधायक लिम्बावली ने अपनी बेटी की तरफ से माफी मांग ली है, लेकिन लड़की की हरकत का वीडियो वायरल हो गया है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में लड़की बोल रही है कि क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? क्या आप विधायक अरविंद लिम्बावली को जानते हैं? मैं अरविंद लिम्बावली की बेटी हूँ। आप मुझ पर ओवरटेक करने का मामला नहीं डाल सकते। यह एक विधायक की कार है। जब पुलिस कर्मी ने चालान के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है और किसी को मेरे घर भेज दें, मैं जुर्माना भर दूंगी। इसके अलावा लड़की मीडिया से भी बदतमीजी करती नजर आई। जब मीडिया वालों ने कैमरा बंद नहीं किया तो उन्होंने तेजी से चिल्लाकर बोली, कैमरा बंद करो, और पूछा तुम कौन हो। मामले को तुल पकड़ता देख बीजेपी विधायक अरविंद लिम्बावली ने माफी मांगी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी के बर्ताव से किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूँ। विधायक ने कहा कि मैंने वीडियो देखा है, मेरी बेटी ने मीडिया के लोगों से सर कहकर संबोधित किया, अगर मीडिया को ठेस पहुंची है तो मैं अपनी बेटी की ओर से उनसे माफी मांगता हूं। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब काफी वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।